नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विक्रम भाई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे जब मैंने ये रिम बदलवाए थे कि मतलब क्या इसका टायर में कितना टायर डल जाता है, कितने के रिम में। तो और भी काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि क्या 14 वाले रिमों में 16 के टायर आ जाते हैं, या मतलब कितने रुपये लगते हैं, कितने के रिम आते हैं। तो दोस्तों इसी बारे में आज मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों मैं ये जब मैंने ट्रैक्टर लिया था तो इसमें 14 के टायर ही आए थे, लेकिन मैंने वो तुरंत ही बदलवा दिए थे। बाहर निकलते ही जो है 14 उसमें 16 के टायर डलवा दिए थे। तो मैं आपको सबसे पहले जो है रिम साइज़ बताता हूँ क्या क्या होता है। रिम का साइज़ एक बार दिखाता हूँ इधर, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो है रिम का साइज़ होता है। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि W15 यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर W15L। तो इस हिसाब से दोस्तों जो है W15L ये रिम का साइज़ होता है। जो रिम के साइज़ होते हैं जो मतलब हमारे ज़्यादा ट्रैक्टरों में होते हैं, W13 के जो रिम के साइज़ होते हैं, W13, W12, W13, W15, ये जो है मतलब है, क्योंकि जो W12 होता है दोस्तों वो होता है 13 के टायर का रिम। मतलब ये W15 है जो हमारे वाला, इसमें 16 के टायर डले हुए हैं, आप देख सकते हैं गोल्ड पोलो के। तो ये W13 है, ये W15 है, तो ये मतलब 16 के रिम का साइज़ है। तो दोस्तों ये W15 का रिम है, यानी कि ये 16 के टायर का रिम है, बिल्कुल जो प्रॉपर 16 के टायर का रिम होता है वो है W15। क्योंकि जो टायर 16 का है रिम का एक पॉइंट कम होता है, मान लो अगर टायर 16 का तो रिम 15 का होगा, रिम का साइज़ W15 का होगा। तो 14 के टायर का रिम होता है जो W13 का होता है, वो 14 के टायर का रिम होता है। और जो होता है W13 वो W12 वो होता है 13 के टायर का रिम। मतलब है टायर के नंबर से एक नंबर कम होता है रिम का साइज़। तो दोस्तों अब एक जो मतलब ज़्यादा सवाल था कि क्या 14 के रिमों में 16 के टायर आ जाते हैं, तो उसके ऊपर बता देता हूँ दोस्तों। 14 के तो छोड़िए आप, 13 के टायर के रिम में भी 16 के टायर आ जाते हैं। क्योंकि जब मैंने ये ट्रैक्टर नया लिया था तो मैंने 16 के डलवा लिए थे, मैंने यही सोचा था कि इसमें भी 14 के रिम है। लेकिन दोस्तों उसमें थोड़ा टायर ना जो ऐसे मतलब यहाँ से ये काफ़ी अंदर था, मतलब इसका जो ये बाहर वाला हिस्सा ये काफ़ी अंदर लग रहा था, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये टायर उसके अंदर। तो फिर मैंने एक पूरा मतलब लगभग 2 साल के बाद इसका रिम चेंज करवाया। तो जब मैं जींद गया दुकान पे, मैंने बोला कि मेरे रिम बदलने थे, तो वो बोले कि कितने के रिम है। माँ 14 के टायर वाले रिम है, माँ 14 के रिम है पहले वाले, और माँ 16 के टायर वाले डालने हैं। तो जब मैंने वहाँ पर चलो देखते हैं कितने के रिम है, तो उन्होंने जब चेक किया तो दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो है फार्म ट्रैक 60 में 13 के टायर वाले रिम मिले, W12 साइज का जो है वो रिम इसके अंदर मिला। तो मैं भी चौंक गया कि यार 13 के टायर वाले में 16 के टायर कैसे आ गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 13 के टायर के रिम में भी 16 के टायर आ जाते हैं, 13 वाले रिम में भी 16 के टायर हैं। तो एक ये मान लीजिए आप फार्म ट्रैक का जो कोई भी ट्रैक्टर हो, मैं आपको ये और बता रहा हूँ, मतलब 60 जो भी या कोई भी हो जो 14 के टायर में आता है, तो 14 के टायर वाले में सब में 13 के रिम मिलते हैं। ये कंपनी की बहुत गलत बात है। मतलब मैंने और भी कई ट्रैक्टरों का पूछा ही, कहीं मेरे वाले में तो ना हो, तो सभी ट्रैक्टरों में मुझे पता चला कि इसमें 14 वाले रिम नहीं, इसमें 13 वाले रिम है, W12 का रिम आता है सभी में। चाहे आपके आसपास में किसी का ट्रैक्टर हो भी तो आप चेक कर लेना, W12 का रिम मिलेगा, यानी कि 13 के टायर का रिम है। तो कंपनी को आप अगर मतलब आगे कभी ट्रैक्टर लेने जाओ 14 के टायर वाला, तो आप बोलना कि यार इसमें तो 12 के टायर वाला रिम आप हमें, मतलब वो 13 के टायर वाला रिम आप हमें 14 के टायर वाला रिम दो, W12 की जगह आपको W13 का रिम लेने की जिद करनी है। लेकिन अभी तो सभी ट्रैक्टरों में आते हैं, ये पता नहीं कंपनी कैसे दे रही है। बाकी सभी स्वराज हो गया, मैंने और कंपनी को देखे, वो पूरा साइज़ का रिम देते हैं, 14 के टायर का रिम भी पूरा देते हैं। फार्म ट्रैक की मतलब तरह ऐसा नहीं करते, ज़्यादातर फार्म ट्रैक में जो 14 के टायर वाले ट्रैक्टर उनमें आती है गड़बड़, उसमें 12 W12 का रिम आता है, जो काफ़ी मतलब छोटा रिम है, टायर का साइज़ का रिम नहीं है वो। और दोस्तों फिर मैंने ये बदलवाया इसके, तो वो रिम दे के मैंने W12 वाले यानी कि 13 के टायर वाले रिम 7,000 रुपये दिए थे ये दोनों। ये तो वही रही प्लेट, लेकिन जो ये कड़ा कड़ा है ये इसका चेंज किया था W15 का, पहले ये था W12 का। तो इसके अंदर जो है अभी 16 का टायर आप देख सकते हो थोड़ा किस प्रकार का दिख रहा है, हम थोड़ा आपको आगे पीछे से दिखाते हैं। यहाँ से देखिए इसको एक बार, अभी मतलब टायर का साइज जो है पूरा लग रहा है इसके अंदर, वरना पहले काफ़ी इसमें जो है भीड़ थी। आपने आप हमारे चैनल पे जाके जो है इसकी वीडियो भी देख सकते हो पहले वाली। तो जो मतलब अगर आपको आप सोच रहे कि 16 का टायर
डलवाएं क्या इसमें रिम में आ जाएगा तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है। W13 के मतलब W12 का रिम में भी आ जाएगा, 13 के टायर वाले रिम में भी जो 16 का टायर आ जाएगा, ये कोई वो दिक्कत नहीं है कि टायर नहीं आएगा, वो आ जाएगा, लेकिन उसकी शेप नहीं बनेगी सही से टायर की, उसकी जो है शेप ख़राब हो जाएगी। हाँ, अगर आपके पास W13 का रिम है आपके ट्रैक्टर में, यानी कि मतलब कोई और कंपनी का है उसमें पूरा रिम आता है, तो उसमें बिल्कुल आराम से मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा आपको टायर का। 14 वाले रिम में भी मतलब W13 के रिम में आप बिल्कुल नॉर्मली डाल सकते हैं, 14 के रिम में तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल आप 13 वाले में भी सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ना टायर अच्छा नहीं लगेगा ट्रैक्टर के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।